उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम मैथ की वीडियो के साथ आए हैं, जो आर्मी और ग्रुप डी जो अच्छे से ग्रुप डी पेपर होने वाला है उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए जो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, पिछली बार भी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था हरियाणा तब भी पूछे गए थे, और हर आर्मी के एग्जाम और सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चों बहुत अंतर है, दोनों क्वेश्चनों को बच्चे एक ही तरीके से कर देते हैं। मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान चलो ये आएगी 10 और 200 तक, एक तो बच्चों आएगी तक कितनी संख्या है 7 से विभाजित होती है, एक आएगा जैसे 100 से 600 के बीच। तो बच्चों हमको यहाँ पे ये अंतर पता करना है तक में और बीच में क्या अंतर होता है। असली जो दिक्कत होती है बच्चों को तक और बीच को नहीं पढ़ते, और जो टीचर बताते हैं वो एक ही तरीके से बता देते हैं कि सिर्फ आपको भाग करना है। बच्चों ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, अगर पीछे दे रखा तक, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कही बच्चों कि 5 से 10 के बीच कितनी संख्या है, मैं नंबर लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या हुई बच्चों, 4। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि 5 से 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो 5 से 10 तक कितनी संख्या होंगी बच्चों, 6 संख्याएं होंगी, ये हमको समझना है। तो जो तक में और बीच में उम्मीद है अंतर आप समझ गए होंगे कि 5 से 10 के बीच में तो 4 संख्याएं आती हैं, लेकिन 5 से 10 तक कितनी संख्या आती है बच्चों, 6 संख्याएं आती है। ये अंतर बच्चे नहीं समझ पाते, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो बच्चों इनके प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो चीज आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। वो जो ये रखनी है कि अगर आपके पेपर में आता बच्चों तक, तो जो हमको पहली वाली संख्या में से एक माइनस करना है। वो जो 10 में से 1 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 9। 9 को जिससे भाग करने के लिए बोलते हैं उसे भाग करते हैं, कोमा, जितनी संख्या पीछे दे रखी है उसे भाग करो बच्चों। 7 से भाग करना, दोनों तरफ 7 से भाग करेंगे बच्चों, 7 एकम 7। हमको शेष से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना बचेगा इससे कोई मतलब नहीं। 7 से इसको भाग करेंगे बच्चों, 7 × 2 = 14, बचे कितने बच्चों, 6, और 1 = 0, 7 × 2 = 56। तो बच्चों अब ये आया मेरे 28 में से 1 मैं माइनस करूंगा, बड़ी में छोटी संख्या माइनस करूंगा, कितना आंसर आएगा बच्चों, 27। बच्चों मेरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, 27। तो बच्चों तक वाले क्वेश्चनों में हमको क्या करना है, तक वाले क्वेश्चनों में जो पहली वाली संख्या रहेगी उसमें से एक माइनस करके तब जिससे आपको भाग करने के लिए बोला है उससे भाग करना है। लेकिन बच्चों बीच वाली क्या होती है, बीच माने बाद पढ़ना आप, बिटवीन, बीच माने बाद, मतलब बीच में बोले बाद वाली में से घटा के भाग करना आपको। देखो कैसे करते हैं, जैसे 100 से 600 के बीच कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होती है। तो बच्चों मैं यहां पर करता हूं क्वेश्चनों को, तो 100 को तो बच्चों कितने से भाग करेंगे, हम 6 से करेंगे कॉमा, पिछले वाले में से बच्चों एक माइनस करेंगे, तक वाले में पहले वाले में से माइनस करना है, और बीच वाले में बच्चों बाद वाले में से माइनस करना, तब हमको भाग करना है। तो बच्चों जब इसमें से मैं एक माइनस करूंगा कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, 6 से भाग करूंगा, तो 6 से ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 16 × 6 = 96 होते हैं, 6 × 9 = 54, बचे कितने बच्चों, 4 और 6 = 8 कितना आएगा बच्चों, 48। तो बच्चों 98 में थे कितने जाएंगे बच्चों, 16 अगर मैं माइनस करता हूँ कितना बचेगा, तो 98 में 6 गए तो 6, 98 में 6 गए बच्चों कितना बचेगा, 2, और 9 में 1 गए कितना बचेगा बच्चों, 8। तो बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 82। क्या रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, मेरा 82 रहेगा। अगर मान के चलो बच्चों अगर आप उसी तरीके से करते जिस तरीके से और टीचर करवाते तो आपका क्वेश्चन कैसे गलत होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, 100 को भी 6 से भाग करेंगे तक या बीच, 600 को भी 6 से भाग कर देंगे बच्चों। तो इसमें गलती क्या रहेगी बच्चों, ध्यान से देखने, ये 16 बार जाएगा और ये कितनी बार चले जाएगा बच्चों, 100 बार चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे 99 आएगा, 6 99 आएगा, और 83 आंसर आएगा बच्चों इसका, 83 आएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों 83 आएगा क्योंकि 6 से 6 × 9 = 54 बचेंगे, 5 और 6 × 9 = 99 में तो 16 माइनस करूंगा तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास में, 83 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 100 में तो अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो बच्चों जब कितना आएगा मेरा, 84, तब मेरा आंसर आता है 84। और बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाया ही इस तरीके से जाता है कि आपको तक, आपको इस तक और बीच का मतलब या संबंध नहीं बताया जाता, और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो मैंने आपको यह भी समझाया कि अगर 100 और 600 के बीच आए तो तक आए क्या अंतर आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना, बीच आता है तो हमको बाद वाली में से एक माइनस करना, तब हमको जिससे भाग करने के लिए कहता है उससे भाग करनी, अगर 6 से कहेगा तो 6 से भाग करनी है, 7 से कहेगा 7 से, 8 से कहेगा 8 से भाग करनी है। लेकिन बच्चों अगर तक आता है तो बच्चों क्या करना, पहली वाली में से एक माइनस करना, तब हमको जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था, पहली वाली में तो एक माइनस करके तब हमको भाग करना है,
और दूसरी वाली को जो दूसरी संख्या होगी उसको जो कि त्यों लिख के उसको भाग करना है। बच्चों शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, भाग करने के बाद में जो कोएफिशिएंट आएगा, जो भाग पर आएगा उसमें से दोनों को माइनस करते हैं और जो हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद में वो बच्चों हमारा माइनस रहेगा। इसके बाद बच्चों और जो तरीके क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं छह से विभाजित है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि तीन अंकों की संख्या कितने से चालू होती है और कहां पे जाकर खत्म होती है। तो जो तीन अंकों की पहली संख्या कितनी होती है बच्चों 100 और लास्ट वाली संख्या कितनी होती है बच्चों 999। कितनी होती है बच्चों 999। इसने कहा कि तीन अंकों की कितनी संख्या छह से विभाजित है, मतलब अगर तकर बीच वाला क्वेश्चन बनाओ तो मैं से ये कहने वाला है कि 100 से 999 तक कितनी संख्याएं भाग होती हैं, किससे बच्चों 6 से। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को कि अगर तीन अंकों की पूछे या दो अंकों की पूछे या चार अंकों की पूछे कि कितनी संख्या इतने से विभाजित होती है या 6 से 7 से 8 से विभाजित होती है, तो जो ध्यान रखना वो तक वाला क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने तक वाले में क्या बताया, पहले वाले में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99 बटे में कितने से भाग कर आ रहा है बच्चों 6। इसको हम 6 से भाग करते हैं तो इसको पहले 6 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों 16, और इसको 6 से भाग करेंगे मुझे कितना आएगा 6 एकम 6 बचेंगे 3, 6 छंगड़ 36 और 6 छंगड़ 36। तो बच्चों 166 में 16 माइनस करूंगा बच्चों कितना आंसर आएगा मेरे 150। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे 150 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों दोबारा से बता दो, इसमें तक वाला फार्मूला लगेगा इस वाले क्वेश्चनों में कि तीन अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होती है या तीन अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है 8 से विभाजित होती है। तो हमको लेना कि इसका मतलब बनेगा कि 100 से 999 तक कितनी संख्या 6 से विभाजित है या 100 से 999 तक कितनी संख्या 10 से विभाजित है 8 से विभाजित है 9 से विभाजित है। ये तरीके का बच्चे फार्मूला बनेगा। अगला क्वेश्चन 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से विभाजित है। अब बच्चों ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में आते हैं कि 4, 5 और 6 कि हमको क्या अलग अलग करके देखना है। बच्चों अलग अलग करके हमको नहीं देखना होता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक से ज्यादा संख्याओं से भाग करवाए तो बच्चों क्या करना होता है, जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका एलसीएम लेते हैं। बच्चों एलसीएम के मैंने आपको पहले वीडियो मिल जाएगी कि एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेते हैं। तो बच्चों 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 60 आएगा। मैंने तरीका बता रखा बच्चों डायरेक्ट कि एलसीएम हमको डायरेक्ट कैसे पता करना, वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो जो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 60। तो अब मतलब एक क्वेश्चन बनेगा कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, ये क्वेश्चन बन गया बच्चों। अभी तो बीच आ रहा है तो बच्चों को लास्ट वाले में से एक माइनस करना है। तो बच्चों क्या करेंगे 200 बटे में 60 करेंगे कोमा, इसमें से एक माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा 599 बटे में 60 आएगा। बच्चों 60 से इसे भाग करता हूं तो 60 किया कितना होंगे बच्चों 180। अब बच्चों अगर ये 600 होता तो 60 से पूरा 10 बार कट जाता तो कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार। तो बच्चों 9 में से 3 माइनस करना है हमको तो बच्चों आंसर कितना आएगा मेरा 6 आंसर आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते थे, अगर वो तक और बीच वाले संबंध को नहीं देते तो बच्चों क्या गलती करते, मैं आपको वो गलती बताता हूँ अब। तो बच्चों ये 6 आंसर रहेगा। अब मैं आपकी गलती बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते कि यहाँ पे 200 लिखा और बच्चों ने यहाँ पे 600 लिखा, एलसीएम भी मान चलो आपने ठीक ही ले लिया 60 ही, इसको भी 60 से भाग करते बच्चे ये 3 आकर यहाँ पे आता बच्चों 10 और 10 में 3 जाते बच्चों आंसर आता जब 7, और बच्चे ज्यादातर 7 ही आंसर लगा के आते। इसलिए बच्चों मैंने बीच वाला और तक वाला आपको जो संबंध होता है वो आपको अच्छी प्रकार से समझाया है कि बीच वाले में से क्या करना है बच्चों, बाद वाले में से जो बाद वाली संख्या है उसमें से एक माइनस करके करना है हमको डिवाइड, जिससे भी डिवाइड करने की भाग करने की हमको कहता है। और तक वाले में बच्चों पहले वाले में से एक माइनस करना है। यहाँ पे तीन अंकों की संख्या आए या दो अंकों की संख्या को किसी से भाग कराने पूछे तो बच्चों दो अंकों की संख्या कितने स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है 99 पे खत्म होती है। तो बच्चों जब 10 में से एक माइनस करके 9 लेते और यहाँ पे लेते बच्चों 99 ही लेते। तक वाले क्वेश्चन बच्चों ऐसा क्वेश्चन तक वाले में आता है और ये क्वेश्चन बीच वाले में अगर ऐसा पूछा जाता है 4, 5 और 6 से विभाजित होती है तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है और वो एलसीएम से ही भाग आपको करना है। और बीच और तक वाला फार्मूला हर किसी क्वेश्चन में आपका सेम रहने वाला है। तो बच्चों इससे आगे हम और जो इसके टाइप्स बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम कि 100 और 200 के बीच जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं उनका योग बताना। बच्चों अब तक तो हमको क्या बताना होता था कि खाली वो संख्या बतानी होती थी कि जैसे 100 और 200 के बीच कितनी संख्या 3 से विभाजित है, खाली हमको मतलब एन लगाना था कि कितनी संख्या विभाजित होती है। लेकिन अब क्या बताना बच्चों को, योग भी बताना है। और ये क्वेश्चन बच्चों कई बार रिपीट होता है योग बताने, सीजीएल में तो ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और एचटेट में सीटेट में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है बच्चों एक क्वेश्चन आता ही आता है। और पिछली बार जब एचएससी ग्रुप डी का पेपर हुआ था तब भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया था।
तो अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्या तीन से विभाजित होती है। मतलब पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है, मतलब n कितना आएगा मेरा। तो जो बीच वाला रूल लगाना, 100 से 3 को भाग करेंगे, और जो बीच आ रही मतलब बाद वाली में से एक माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 199 बटे में आएगा जो 3। 3 से कितनी बार जाएगा 33 बार, और जो 3 से कितनी बार कटेगा 3 छिंग 18 मतलब हमारी जो संख्या है 66 - 33 33। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, मतलब 33 संख्याएं ऐसी हैं 100 और 200 के बीच जो 3 से विभाजित होती है। बच्चों यहां तक तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब उसने पूछ लिया बच्चों इनका योग क्या होगा, तो योग का क्या फार्मूला लगाना बच्चों, जितनी संख्या है n into a प्लस में l अपॉन 2। बच्चों ये फार्मूला हमको लगाना है इसमें कि n n into a प्लस में l अपॉन में 2, वेयर n क्या होगा बच्चों, जितना नंबर हमको दिया हुआ है कि कितनी संख्या भाग होती है। ये बच्चों पहली वाली संख्या रहेगी कि 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से भाग होती है, बच्चों कौन सी रहेगी 102, क्योंकि 100 के बाद 102 का जोड़ी 3 बैठता है, तो बच्चों 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस में। हमको ये देखना है कि 200 से पहले ऐसे कौन सी संख्या है जो 3 से भाग होती है, बच्चों वो होगी 198। अच्छा 9 8 17 18 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 33 गुना में जब इसको मैं प्लस करूंगा 100 298 तो कितना हो जाएगा बच्चों 300 बटे में रहेगा 2, बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरे 150। और जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 15 45 5 का आंसर लगी 4 15 45 4 49 150, तो बच्चों जो मेरा आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा 49 150। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन करना होता है कि n इंटू ए प्लस में l अपॉन में 2। बच्चों ये फार्मूला एक जगह हमारे और पुट होता है, वो कहाँ पे पुट होता है वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, कि जैसे आपको पूछ ले कि 45 से 79 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो बच्चों यहाँ पे भी यही फार्मूला पुट होगा कि 45 से 79 बोले तो 79 तक की सभी संख्याओं का हमको योग बताना है, तो बच्चों वहां पर भी हमको यही फार्मूला लगाना है। तो बच्चों इसमें ए क्या हो जाएगी पहली वाली संख्या जो दी हुई है हमको, एल क्या हो जाएगी बच्चों अंतिम वाली संख्या लास्ट नंबर, ए बोले तो फर्स्ट नंबर, एल बोले तो अंतिम संख्या, हमको निकालना बच्चों एन। तो बच्चों एन निकालने के लिए कभी भी क्या करना पड़ेगा, तो इसने कहा कि 45 से 79 तक की संख्या, मतलब 45 भी इंक्लूड है और बच्चों 79 भी इंक्लूड है। तो बच्चों एन निकालने के लिए यहाँ पे एक तरीका होता है कि 79 में से 45 को घटाओ और प्लस में कर दो बच्चों ऊपर, ये आसान तरीका है एन की वैल्यू निकालने का। तो बच्चों कितना आएगा, 9 में तो 5 जाएंगे बच्चों 4, 7 में 4 3 प्लस में 1 कितना आएगा बच्चों 35। अब बच्चों इसमें फार्मूले में पुट करते हैं तो 35 इंटू ए प्लस में एल, तो बच्चों 45 और 79 जोड़ूंगा 9 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 14, 7 4 11 1 बच्चों कितने हो जाएंगे 12 है, अपॉन में आएगा 2, 2 छक्के 12 2 2 4, तो बच्चों 35 गुना में 62 जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी बच्चों वो ही इनका क्या रहेगा बच्चों आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका और होता बच्चों, आपको वो ये भी दे सकता है कि 45 + 46 + 47 + ……79 तक का मान बताओ, का मान बताओ, तो बच्चों तो भी हमको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है और फार्मूला हमको यही लगाना है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और जब हम एपी पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी, तो बच्चों समानांतर श्रेणी में भी ये फार्मूला बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चों जो तक और बीच वाली संख्याओं से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे, योग वाले हों संख्या निकालने वाले हों, तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है उससे लेके बच्चों आपको कराए हैं। अगर हमारी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।